हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ये प्यारी सी ब्लाउज की डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। कल की वीडियो में मैंने आपको ये लेयर्ड वाली लहंगा के कटिंग और स्टिचिंग बताई हुई थी, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने अस्तर और मेन फैब्रिक को रखा हुआ है। अभी अस्तर पे हम इसकी मार्किंग कर लेंगे और कटिंग कर लेंगे, बाद में इसे हम मेन फैब्रिक के साथ स्टिच करेंगे। तो अस्तर को मैंने फोर फोल्ड करके रखा हुआ है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हम पहले अपने शोल्डर की मापी ले लेंगे। तो ये जो ब्लाउज का जो लेंथ है ना, यहाँ पे हमने लगभग 11 इंचेस का रखा हुआ है। शोल्डर के लिए हम 4.5 इंचेस पे मार्क कर लेंगे और आर्म होल के लिए हम बढ़ाएंगे इसे 5 इंचेस तक। इस तरह से हमें आर्म होल का एक बॉक्स बना लेना है, फिर आर्म होल का इस तरह से शेप दे देना है। तो ये हमारा बैक का था और ये जो हमने अंदर साइड से आर्म होल का शेप दिया ना, ये हमारे फ्रंट के लिए है। फिटिंग के लिए हम मार्क करेंगे 6.5 इंचेस पे और वेस्ट में भी हम 6.5 इंचेस पे ही मार्क करेंगे। तो इस लाइन को हम इस तरह से मिला लेंगे और मार्जिन के लिए लगभग हमने 1 से 1.5 इंच तक मार्जिन रखा हुआ है। नेक के लिए हम 2 इंचेस पे मार्क करेंगे और इसे नीचे बढ़ाएंगे हम 3.5 इंचेस तक। जो हमारा फ्रंट नेक होगा ना, वो 3.5 इंचेस तक रहेगा और बैक के लिए हम यहाँ पर मार्जिन लेंगे 2 इंचेस का। तो चलिए इसे 2 इंचेस तक बढ़ा लेते हैं और ये हमारा बैक का पार्ट होगा। तो सबसे पहले हम बैक वाला जो हमने मार्किंग किया है ना, वो हम कट कर लेंगे और फिर फ्रंट को हटा कर बैक को हटा करके फिर फ्रंट वाला जो हमने मार्किंग किया वो कट करेंगे। तो ये हमारा हो गया है फ्रंट की कटिंग। बैक की कटिंग हमने कर ली थी। बैक से हमें इस तरह से 2 पीसेस में इसे कट कर लेना है और बैक का जो मेन फैब्रिक है ना, इस तरह इसे भी 2 पीसेस में कट कर लेना है। तो अब हम बैक का जो मेन फैब्रिक है उसे सीधे साइड को यहाँ रखेंगे और इस तरह से इसके ऊपर हम अपने अस्तर को रखेंगे। सेम हमारा फ्रंट वाले में भी वैसा ही हमें करना है। हमारा सीधे साइड को यहाँ रखेंगे और इसके ऊपर हम रखेंगे अपने अस्तर वाले फैब्रिक को। अब चलिए इसके नेक और आर्म होल पे हमें स्टिचिंग करनी है। तो इस तरह से हमें आर्म होल और नेक पे स्टिच कर लेना है। और इसके बाद जितना भी हमारा मेन फैब्रिक दिख रहा है ना एक्स्ट्रा, वो हम कट कर लेंगे और फिर यहाँ पे हम छोटी छोटी कट लगा लेंगे। सो इस तरह से इसे सीधा करने के बाद एक सिलाई हमें ऊपर से दे देनी है। तो इसी तरह से हमने दोनों बैक पार्ट को तैयार किया था, साथ ही फ्रंट को भी इसी तरह से स्टिच किया था। अब हमने इस तरह से इससे ऊपर से सिलाई लगा के अच्छे से सेट कर लेना है। तो ये ब्लाउज मैं लगभग 2 से 3 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ। तो ये हो चुका है हमारा स्टिच। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है वो हमने यहाँ पे कट कर लिया है। ये हमारा पैक पार्ट है और ये फ्रंट वाला। तो पैक पार्ट में हमें पीछे लगानी है हुक। इसके लिए हमने ये पट्टी कट की हुई है। तो जिस साइड पे हमारा ये हुक लगेगा ना, ये पट्टी हम इस तरफ से ऊपर की साइड से लगाएंगे। जिस साइड पे हमारा मेन फैब्रिक है, इस साइड से हमें इसे लगाना है इस तरह से और फिर इसे हम बैक साइड में पलट करके सिल लेंगे। तो अभी हम इस तरह से एक सिलाई देख के इसे अच्छे से सेट कर ले रहे हैं और फिर अब इसे पलट करके हम इस तरह से सिल लेंगे। सो नीचे की साइड पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, वो हम कट कर लेंगे। ऐसे ही हम अपने बैक पार्ट का जो हमारे जिस साइड में कार्ज बनेगा ना, उसे हम अपने अस्तर वाले साइड से इस तरह से पट्टी को बैठाएंगे और फिर इसे हम सीधे साइड में मोड़ करके सिलेंगे। तो इसमें पट्टी को एकदम से नहीं मोड़ना है, इसे इस तरह से हमें इसे फोल्ड करना है। तो ये हमारा हो गया काज वाली पट्टी तैयार। अब हम अपने फ्रंट वाले जो पार्ट है ना, उसके शोल्डर को बैक पार्ट के शोल्डर से मिला करके इस तरह से सिलाई करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, इसे इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है और बिल्कुल ही 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है।
और अब हमें क्या करना है, नीचे की साइड पे हमें पट्टी लगानी है, जिसके लिए मैंने ये अस्तर वाले फैब्रिक से कपड़े को लंबे पट्टी में कट कर लिया है। इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए हम नीचे की साइड में लगा लेंगे। तो ये हमने लगा लिया है, अब इसे हम उल्टे साइड में पलट करके इस तरह से सिल लेंगे। तो ये हमने पट्टी को लगा लिया है, अब हम इसे फिटिंग की सिलाई दे देंगे जो हमने मार्जिन रखा हुआ था। तो ये वाली ब्लाउज को मैं ज़्यादा हैवी नहीं करूँगी, ये सिंपल सा ही रहेगा, क्योंकि जो हमारा इसका स्कर्ट है ना वो ऑलरेडी इतना हैवी लग रहा है, इसलिए हमें एक सिंपल रखना है ब्लाउज को, इसलिए मैं आपको यहाँ पे सिंपल ब्लाउज की कटिंग बता रही हूँ। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से इस टाइप के ब्लाउज को आप स्टिच कर सकते हो। यहाँ हमारा ब्लाउज बन गया है, इसमें आप हुक और इसकी पट्टी काज कर लो, और ये हमारा स्कर्ट है। आप अगर इसकी कटिंग और स्टिचिंग नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं वीडियो के एंड में दे दूँगी, आप ज़रूर जाके देख लेना। और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो मेरे चैनल पे आपको इसी तरह की कई वीडियो देखने को मिल जाएगी अलग अलग डिज़ाइंस की। मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी, आपको किस टाइप की स्टिचिंग देखनी है आपको अलग अलग वीडियोस देखने को मिलेगी। सो होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।